जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार दोस्तों, गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था से जो ठेके के कर्मचारी हैं वो चार दिन से आज चौथा दिन है हड़ताल किए हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है। और उनकी जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों ने कर रखी है हड़ताल, ठेके के जो कर्मचारी हैं। आइए मालूम करते हैं क्या मामला है और क्या वार्ता इनकी चल रही है। और कौन से दिन, कितने दिन हो गए आपको हड़ताल के? आज चार दिन हो गए। और कौन से कर्मचारी हो आप? सर्विस मास्टर क्लीनिंग के स्थायी कर्मचारी। स्थायी कर्मचारी हो कंपनी के हिसाब से? हाँ। तो क्या मांगे आपकी? हमारी पहली मांग तो ये है, जो हमारी शिफ्ट को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है, 15 दिन एक शिफ्ट, 15 दिन एक शिफ्ट। तो उसमें 15 दिन हम कोई बंद 15 दिन आदमी काम करते हैं, 15 दिन घर बैठते हैं। पहले कोरोना से पहले कितने कर्मचारी काम करते? 25 कर्मचारी थे कोरोना से पहले, 25 कर्मचारी थे। और अब हमें डिवाइड कर दिया गया है आधे आधे दो विभागों में। और हम ये मांगे हमारी कि हमें पूरे 25 कर्मचारी हो कोरोना काल के पहले, कोरोना काल में जो पहले 25 कर्मचारी करते थे वो पूरे लिए जाए आपको पूरे। तो कितने दिन? चार दिन हो गए आपको हड़ताल दी? एक तारीख से हड़ताल है। अभी अधिकारियों से आपकी वार्ता भी हुई, क्या वार्ता में क्या रहा? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इसी महीने आपका ये ठेके पड़ते क्रिया वो पूरी करवा देंगे, ये आश्वासन। जो हम चाहते हैं वो आप उन्होंने मांग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित। तो अब वार्ता काम पे लौटेंगे आज से? आज से काम पे आएंगे 2 बजे। वार्ता हो चुकी है पूरी? हाँ वार्ता। दोस्तों जी, चार दिन से हड़ताल चल रही थी, अभी अधिकारियों से वार्ता हुई है इनकी और अभी 2 बजे से काम पे वापस लौट आएंगे ये। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चार दिन से चल रही थी, आज चौथा दिन है हड़ताल का, जो ठेके पे सुविधा पर कार्य करते हैं सफाई का। और क्या कहना चाहेंगे सर सफाई कर्मचारियों की? चौथा दिन हड़ताल है, अभी वार्ता भी हुई है अधिकारियों से, समझौता भी हुआ है। पिछले चार दिन से ये सफाई कर्मचारी स्टेशन पर जो कंपनी की तरफ से लगाए गए हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर जो है हड़ताल पर थे। आज जो है कंपनी के कुछ अधिकारी आए हैं गंगापुर के अंदर और एसएस हमारे गंगापुर एसएस साहब, एचआई साहब और भी अधिकारी थे, उनने एक आश्वासन दिया है कि भाई आपकी समस्या जांच है, ये आप कोई गलत अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन ये समस्या जो है रेलवे बोर्ड की है। और एसएस साहब ने भी कहा है कि मैं हर महीने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखूंगा कि 25 आदमी का कैडर था, 25 आदमी का कैडर किया जाए और जो हमारा कंपनी की तरफ से जो सरकार की तरफ से वेतन है उस वेतन का भुगतान पूरा किया जाए। किसी को 4,000 दे देते हैं, किसी को 3,000 दे देते हैं, उसमें क्या पूरा पड़ता है? तो जो रेलवे दे रही है रेट वो तो इन कर्मचारियों को दें। तो ऐसे साहब जी ने विश्वास दिलाया ये कि मैं रेलवे बोर्ड को भी हम चिट्ठी लिखेंगे, DRM को भी, हेडक्वार्टर पर भी, सब जगह। और कंपनी वालों ने भी ये विश्वास दिया है कि हम 2-3 महीने में सॉल हल कर देंगे, नया ठेका इसमें होने जा रहा है मार्च के अंदर। तो जब तलक के लिए इनने समझौता किया है एचएस साहब के कहने से कि हम आपकी साहब बात को मानते हैं, आप हमारे अधिकारी हो और हम आपके कहने से काम पर लौट रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या जब तक हल नहीं होगी जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप कंपनी जो हमको 3 महीने का या 4 महीने का टाइम दे रही है, 4 महीने का, 4 महीने में हमारी समस्या अगर हल नहीं हुई तो रेलवे बोर्ड से हो कहीं से भी हो, फिर हमको अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो हमको मजबूर होकर नोटिस देने के बाद हम हड़ताल पर जाएंगे, अनुचित हड़ताल पर जाएंगे और हमारा अधिकार लेकर रहेंगे। यही हमारी सरकार से, प्रशासन से और कंपनी से प्रार्थना है, हमारा टाइम पर हमारा अधिकार मिल जाना चाहिए। अब मीडिया वालों, आप जो पधारे हैं आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम गरीब दलितों की आवाज़ को आप जो है जन जन तक, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं।
फिलहाल आप आपके अभी अधिक उपकारी रहेंगे। फिलहाल आप काम पे लौट आएंगे? अभी ये फिलहाल जो है अभी एसएस साहब बुला रहे, और भाई तुम काम पे जाना को सब तैयार हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। फिलहाल वार्ता हो चुकी है और अभी काम पे लौट आएंगे आज से। और जो ये गंदगी चार दिन से लगातार बढ़ रही थी, आप देख रहे हैं चारों तरफ रेलवे स्टेशन के आसपास पूरी गंदगी के ढेर हो गए थे। अब वार्ता पूरी हो चुकी है इनकी। चार दिन से आसपास सफाई नहीं हो पा रही थी, अब वार्ता हो चुकी है।